अगर आज आपकी सालगिरह है तो हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और बहुत सारी दुआएं हमारे पाकिस्तान के लिए, तमाम होदन के लिए। खुश रहो, शाद आबाद रहो, ब्रिंग ब्रॉन्ग जी। मुद्दा क्या है? जी तो 2019 बहुत सारी बातें यादें लेकर रुखसत हुआ चाहता है। एक माह और कुछ दिन बाकी रह गए, ये भी गुजर जाएंगे। जहां पूरा साल गुजर गया, ये दिन क्या रुकेंगे? रुकता तो कोई किसी के लिए नहीं। बहेसे थे मजमू में अगर आपसे पूछूं तो 2019 से कैसा रहा आपका? जो गोल्स आप अचीव करना चाहते थे वो कर चुके या नहीं कर पाए? पार्टी हासिल किए, आधे हासिल हुए, आधे नहीं हुए? थम्स अप रहा, थम्स डाउन रहा, क्या रहा? आज तुबा बर्थ की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बता दिया कीजिए, हम हाजिर हैं।
जी पुर वाली बर्थडे विश करें। तो सब लोग अपने अपने कान जरा करीब लाइए और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आ गए सब लोग, तो हैप्पी बर्थडे यमुना के अम्मी जी, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किसी जमाने में हम लोग करते थे ये। किस किस को याद है? सियाए शुक्रता कह रही है कि जी गोल्स नहीं टास्क थे, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां भी और बहुत, बट काफी अनएक्सपेक्टेड स्टफ भी आया, आता रहा इस साल। जी आती जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें काफी आती है। तो कुर जी बात हो रही है बहाने की, कोई करके बहाना संग मिल माही वे, और माही के उसके पास ना मिलने के बहाने अलग है। जी जी आप तो कह रहे हैं कि मिलने का बहाना करो, वगैरह नहीं। समझा दिया है कई दफा, एक दफा फिर बता देता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल पक्का पक्का यकीन है कि आपका जवाब ठीक होने वाला है या जरा सा भी शक शुबा है तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। डायरेक्ट फेसबुक वाले जो है वो वॉल पे मैसेज ना करें। ये पेपर आउट हो जाता है और उसके बाद छपाई स्टार्ट हो जाती है। 6278 वाले बेधड़क मैसेज करें क्योंकि उनके मैसेज सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। मैसेज करना हो तो लिखेंगे KHI, एक स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और सेंड कर देंगे 6278 पर। इसके अलावा facebook.com/CKWithAzhar।
फिर चलें चलें। जी वैसे तो गेट जो है वो आने जाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन वो कौन सा गेट है जिसके अंदर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ बाहर आ सकता जी? बताओ भाई, ससुराल का गेट? नहीं, तो वो कौन सा गेट है जो इसके अंदर जा नहीं सकते, एंटर नहीं हो सकते? लेकिन बाहर आ सकता है। बॉक्स में मैसेज आने शुरू हो गए। नहीं, अली तक आजमी नहीं, कुछ और। Let's move on.
तक जो है तीन बहन भाइयों ने सही जवाब दिया, बहुत आसान था। हमने पूछा वो कौन सा गेट है जिससे एंटर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ बाहर जरूर आ सकता है, वो है कोल गेट। सरम शरीफ, यमुना, अली अदर कासमी, तुबा उबैद, आयशा उस्मान, मानूर अब्बासी, आप लोगों ने सही जवाब दिया। तालियां, कोई ना कोई तो बजाएगा, खुद ही बजा लो। ये तो ऐसे ही पूछा था हमने, ऐसे ही क्या समझ रहे हो तुम, असल चीज तो हमारे पास है। के घर का गेट, वहां कोई जा ही नहीं सकता, सिर्फ बाहर आते हैं वहां से लोग, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इस बात की। थाम के बैठो, अभी आते हैं। रेडी है ना, मूड में है ना, वार्म अप तो हो गया, अब असल गेम। We'll be right back.
आप लोग रेडी हैं? आ जाओ। हाँ जी, तो पूछ लूं। वो क्या चीज है, ना उसे कोई इंसान या जानवर पैदा करता है, ना वो आसमान से गिरती है, ना वो जमीन से उगती है, लेकिन फिर भी हम सब उससे परेशान रहते हैं। जी जी भाई, ये ऊद बुलाओ। नहीं नहीं, ऊद बुला नहीं भाई, और क्या सकता है? जी, वो क्या चीज है जिसे न किसी इंसान ने, न किसी जानवर ने जन्म दिया, ना वो जमीन से उगी, ना आसमान से गिरी, लेकिन सब उससे परेशान रहते हैं। बताओ जरा। जी जी बताइए ना, चुप क्यों हो गए? क्या हो गया? कोलगेट हो गया क्या? क्या चीज है? आ जाओ। ये अबे यार, ये क्या पूछ लिया? ये चमगादड़ तो नहीं, लेकिन वो तो पैदा होता है जानवर, परिंदा, जानवर उसको जन्म लेता है। जमीन से भी कुछ नहीं निकलता कि आप कोई तरबूज की बेल डालें और वो गए, ना ही कोई चीज होती है उल्लू की तरह जैसे आसमान से गिरते हैं तो बंदा कोई परेशानी में आ जाए। वो क्या चीज है? वो क्या है जैसे ना किसी इंसान ने जन्म दिया, ना किसी जानवर ने, ना जमीन से उगाया गया उसे, ना आसमान से फेंका गया, लेकिन फिर भी सब लोग परेशान रहते हैं। आर व्हाट इज दिस, सबकी इंग्लिश भी सही हो गया। आर व्हाट इज दिस, इट्स रेहान कहते हैं वाईफाई। नहीं 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 नहीं, मूवी ना लाइक। नहीं 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 नहीं, आसमान से आती ना वो तो। तुवा बैठ जैसी जहीन लड़की भी सब बहुत परेशानी के आलम में। जी जी, हलवा थोड़ी है बाबू, और इसका जवाब सुनोगे ना तो आज जिसने नहीं भी कभी टक्कर मारी ना, रैली में टक्कर मारेगा। वो क्या चीज है जिसे कि ना किसी इंसान, ना किसी जानवर ने जन्म दिया, ना जमीन से उगाया गया, ना आसमान से फेंका गया, लेकिन फिर भी सब उससे परेशान रहते हैं। उसने सभी को परेशान किया। सोचो, जवाब दो। और आज एक हमारे पास बोनस सॉन्ग भी है। बोनस सॉन्ग कौन सा है सुनेंगे आप? चलिए बोनस सॉन्ग आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बोनस सॉन्ग अभी सुनो, बाद में सुनाता हूं। अभी आतिफ असलम को सुनते हैं, और जरा आप सोचिए, टकरे मारिए कि इसका जवाब है क्या।
Alrighty, तो जल में कहीं, लेकिन हमने आपसे जो सवाल किया है वो जरा सोचें। हिंट आपको दूंगा कुछ देर बाद, अगर जवाब नहीं आया अभी तो नहीं दूंगा, अभी आप सोचें। अभी से हिंट दे दिए तो फिर क्या फायदा आपके इतने बड़े जहीन फतीम दिमागों का, जिसको प्यार से जी दिमाग भी कहते हैं। असल तो दिमाग होता है या दिमाग होता है, दिमाग होता है, दिमाग होता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिरयानी भी होती है और बरयानी भी होती है। क्या चीज है जिसे ना किसी इंसान ने, जानवर ने पैदा किया, ना वो जमीन से होगी ना वो आसमान से गिरी। क्या चीज है, और सब इससे सब परेशान रहते हैं। उस्मान लतीफ वालेकुम सलाम, मोमा अरबाब गुल वालेकुम सलाम, मुबीना थैंक यू, नजिया को आते फसल पसंद है, ओके नैना बाग खराटे, नहीं नहीं बकार अली मुल्तान से बहुत शुक्रिया मेडा सोना। शुभता साहेब बाजी कह रही है कि वो तो खिचड़ी जो दिमाग में पकी रहती है, नहीं 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 बल्कि लई 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 जी, नजरे में नजरा नजला जो होता है उसमें जब नाक बंद हो जाती है तो नहीं नहीं लई लई निकलता है, लई लई। अभी सर्दियां आने वाली है, बहुत सारे लोगों को फ्लू होने वाला है, लई 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 लई। पता है तुम्हारे को मैंने क्या, तुम्हारे को बोला नाक बंद हो गई इसकी, कम वक्त इतनी बड़ी नाक है फिर भी बंद हो जाती है। सिद्धा आतिफ बीमारी नहीं, मानव बासी नका, मरीम यासिर नको, चेदो तुबा बैद ना ना ना, जुमना नो 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 नो, सारे जहीन फतिंग लो तो हो गए फेल। एक बार फिर ट्राई कीजिए, कोई वसा नहीं, बात करते रहो मुझसे, अच्छा लगता है। जावेद गबोल अदा वालेकुम असलाम, छा हाल आई तमा, ठीक मां भी ठीक बाबा, चाहे जो को खड़िया। समरीन हिना क्या हाल है जी, आंसर है महंगाई नहीं नहीं, विंटर में होने वाली ड्राइनेस नहीं, वो तो विंटर में होती है। बिस्मा है लाहौर से, क्या हाल है जी, मैं ठीक हूँ बिस्मा, आप कैसी हैं ये बताइए। आप पहले लेटर लिखा करते थे, बड़ा अच्छा होता था कि मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ या चाहती हूँ, दीगर अहवाल ये है। अब दीगर अहवाल तो है नहीं, अब सीधे से टैक्स, ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। तो बोनस सॉन्ग की हम बात कर रहे थे, आप सोचते रहिए, लेकिन आज का बोनस सॉन्ग है यो वाला। अरसा 86 साल बाद, जी हाँ, लिख I'm
लम्हा लम्हा बीते सारे इधर पहले यहाँ मिलेगा फिर मार्केट में आएगा दे रहा हूं कि ये जो बात है सिर्फ मैं नहीं कर रहा, आपने भी की हुई है या सुनी हुई है जिंदगी में। चलो यार इससे आगे कुछ बोल नहीं सकता हूं। देखिए जो मैं सवाल पूछू ना तो उसमें कुछ चीजें सपोर्टिव भी हो सकती हैं और कुछ मेन मुद्दा भी हो सकता है। आपको गौर करना है कि मैं पूछ क्या रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा बिल्कुल फ्लैट पूछूंगा ना तो चांसेस ज्यादा है कि आप लोग पहुंच जाएं, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको घुमाया है। सर शुक्रता जाद गिरी लिख रही थी पेंसिल गिरी, अरे आपको थोड़ी कहता हूँ। टू होम इट मे कंसर्न, थैंक यू। जी तो इस हिंट से कोई फर्क पड़ा? जी मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं जिसने इसके बारे में ना सुना हो या उसने खुद कोई ऐसी बात ना की। जब आपको जवाब बताऊंगा ना तो उछल के टक्कर ना मारी ना आपने तो फिर ये आपका कसूर है तो मेरा नहीं। अपना खाए ना खोए
वहाँ भी कहती है स्ट्रेस टेंशन ख्याल भी आप स्ट्रेस में ही रहेगा जिंदगी में, इससे बाहर कभी नहीं निकलना आपने, आपका दिमाग ही यहीं पे काम करता है। समरी हिना कहती है अजहर भाई आंसर इज लोड शेडिंग, बिल्कुल नहीं। गुलिस्तानी जौहर से ख्यालात नहीं। सुमेरा आसमां से गिरा खजूर मटका अच्छा है लेकिन ये जवाब नहीं है। हिना क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप खरीद से हैं? लाहौर से भाई क्या हाल है? मैं कैसे हूँ? मैं भी ठीक हूँ। दो बार मैसेज किया जवाब नहीं दिया। आपने अपना नाम ही लिखा पाया ना, नाम तो लिखे ना, सिर्फ लाहौर से लिखने से काफी तो नहीं है, अपना नाम भी लिखे अच्छा रहता है क्योंकि हमें फिर पता लगता है कि कौन है कौन नहीं। खातून है, हजरत है। अरे है कोई जो पहुंच जाए वहां पे? बम 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 मैं काफी दिन सोच रहा था यार किसको अगर मैंने ऐसे पूछ लिया तो ऐसे, तो फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे पूछेंगे तो ऐसे करके ऐसे ठीक है तो जोर किस पे हुआ? ऐसे पे। वैसे इसके बारे में, इसके हवाले से मैं भी अक्सर बात करता रहता हूँ। चलो ये भी हिंट दे दिया यार, ये भी हिंट दे दिया। और मैं वो चीज साबित करूंगा। मैंने कहा ना कि आपने वो चीज खुद कही हुई या सुनी हुई। वो चीज अक्सर मैं भी यूज कर लेता हूँ। जी जी। अबे यार नहीं नहीं चिल्ली ये गाना सुनकर लतीफ भाई को अपना चौथा प्यार याद आ गया है। ये वाला जो किस किस को याद है से आए Stop.
जवाब दिया सबको ना आ जाओ आज कोलगेट राइट हो तो जैनो को तरोताजा करने के लिए आपको और खुश करने के लिए नाकू चाचा आ चुके हैं। नाकू चाचा की शायरी बड़ी मशहूर है और नाकू चाचा खुद बड़े मशहूर हैं। तो नाकू चाचा को जरा चेक करते हैं उसके बाद आते हैं मुद्दे पे, क्योंकि लोग मुझे लगता है कि सर पे टकरे मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि उनको जवाब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छी बात है। अब बाबा जी आपकी इजाजत से मैं नाकू चाचा को बुला लूं। अरे भाई मैंने कब बना किया, आप बड़े हैं ना। अरे नाकू मुझसे बड़ा है। जी तो मौजूद खवातीन आजाद बगैर किसी तवक्कुफ और इंतजार के हम आपको ले चलते हैं उनकी जानिब, जिनके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इनके जवाब भी पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां नाकू चाचा के लिए। नाकू चाचा आपका अंजा नमूज के लिए आपको आना पड़ेगा। नाकू चाचा खाने में सुनो। अरे नाकू चाचा जिद नहीं करो अभी सुमन, चलो चलो चलो। अरे ठीक है मैं आता हूँ। अरे पहले तुम वाह वाह करेगा, हम फिर बनाऊंगा। क्या बनाओगे? अरे शायरी। जी भैया वावा कीजिए, वावा के बगैर जो है ना ये शायरी नहीं बनाएंगे। वावा कीजिए आगे 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 सब आगे। अरे कानो अभी शायरी सुनो। अरे वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अरे जाओ चाहता पूरा पढ़िए जागो जी, बड़ी सॉरी। अरे कोई बात नहीं भैया, उसको पढ़ेंगे। दोस्ती करना चाहता है, हम नहीं करूंगा। देखो चाचा आप पूरी शायरी करें, आप नहीं करेंगे अलग बात है। अरे वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, मेरे ख्वाबों में रहना चाहता है। अरे जाड़े। अरे मैं फकत उसका होकर रह जाऊं, वो मेरे से ऐसी मोहब्बत चाहता। अरे मैं फकत उसका होकर रह जाऊं, वो मुझसे ऐसी मोहब्बत चाहता है। अरे झाड़। और बड़ा अजीब है ये दोस्त मेरा भी।
چھوڑے سوری. اور تم اس کی ضرورت بن چکے ہو لاکو. واہ واہ کیا بات ہے. ارے تم اس کی ضرورت بن چکے ہو لاکو. وہ حال مت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چاچا کے لیے بہت ساری تعلیم بہت ساری تعلیم. ارے بابا سنو آرام سے بیٹھو ناگو چاچا آرام سے بیٹھو. یہ تو ناگو چاچا اور ہر بات میں ہٹ جاتے ہیں نہیں کروں گا نہیں کروں گا. چلا ہوں نغمے سناتا چلا ہوں سب کو بتاتا چلا ہوں انسانی روحیں دنیا میں صرف ہے پیار کی پیاسی صرف ہے پیار کی پیاسی میں ہوں البلا راہی میں ہوں البلا راہی سب سے یارانا پیار جگا دوں ہر دل میں گزروں جدھر سے میں راہی گزروں جدھر سے میں راہی چلو ایک فائنل ہنٹ دیتا ہوں اور بہت بڑا ہنٹ ہے یہ ہم اکثر محاورے میں بھی یوز کرتے ہیں اس سے آگے نہیں. اور میں اپنی شاعری میں بھی کرتا ہوں البلا راہی راہی
जी तो कहाँ पहुँचे आप लोग? करो इनबॉक्स और बताओ मुझे। क्षमा जॉक ने जॉक नहीं है, आपने कहा था कि कभी कभी मैंने बता दिया अभी आपको कौन सी रिडल है। अरे जाओ अरे अली अदर काजमी, तुमको आज जवाब नहीं आया तुमने जो है ना। ओके सब लोग चिल रहे हैं, रिलैक्स हैं। एक बंदी बहुत परेशान है, उसका नाम है माहनूर अब्बासी। इनबॉक्स प्लीज, उसको कुछ याद नहीं आ रहा, खाना पीना भूल गई है, वो कुछ नहीं करेगी अब, वो बाल नोच रही है। मानो अब्बासी टक्कर मारने के लिए रेडी हो जाओ, जवाब तुमने दिया नहीं है। मैं हूँ अलबेला राही। अच्छा अभी जो लेटेस्ट हमारे पास इनबॉक्स आया, मरीम यासर नको युमना निश्तकना मानो बासी ना ना आयशा उस्मान, उसके बाद नैना बख्श आहा सुबह बैद आयशा उमर, बहुत सारे लोग करते ना, उनसे पूछो ना क्या हुआ था ऐसे काम किया, करो जरा सब लोग ट्राई करो। तो आज कोई भी जवाब नहीं, मैंने एक आपसे सवाल किया, अब जवाब देने का वक्त आ गया है। दे 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 दे, तैयार हो जा सब लोग। मैंने आपसे एक सवाल किया और मैंने आपको यह भी बताया बीच में कि हम इसको हमने कहीं पे कुछ चीजें एक साथ जोड़ भी दी होंगी, असल चीज कहीं बीच में मैंने एक सवाल किया आपसे कि वो क्या चीज है कि ना जो इंसान ने पैदा की ना किसी जानवर ने पैदा की, ना जमीन से होगी ना आसमान से। तो इसकी मेन जो चीज है अगर आप उसको पकड़ें तो ना उसे इंसान ने पैदा किया और ना उसे जानवर ने पैदा किया, जमीन से होगा आसमान से होगा जो गिरा वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था, तो बीच में इसी को रखे चाहिए। वो क्या चीज है जो ना किसी इंसान ने पैदा की ना किसी जानवर ने और वो चीज सबको परेशान रखती है। मैं अक्सर अपने शायरी में भी वो लफ्ज यूज करता हूं और उसका मुहावरा भी है। तो भैया वो लफ्ज है जी, वो लफ्ज है, वो बात है ये कि हम अक्सर कहते हैं ना कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो सवाल है जो आज तक पैदा नहीं हुआ और इन्हीं सवालों के जवाब हम देते देते थक गए, कभी एग्जाम में, कभी लोगों के, कभी माशरे के, कभी बड़ी बाजी के, कभी किसी के, कभी किसी के, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो चीज तो पैदा ही नहीं होती लेकिन फिर भी परेशान करती है, ऐसा क्यों होता है? हा हा दो टक्कर आ डज ये क्या बात हुई जी? यही बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता, पैदा होता लेकिन फिर भी सवाल तंग करते रहते हैं हमें। मैं अपनी शायरी में भी अक्सर एक चीज शेर पढ़ता हूँ, चंगा होंदा सवाल ना कर दा मैं तेरा जवाब अडज, याद आया आपको डजिंग। और दूसरा क्या था मुहावरे में यूज करते हैं हम, सवाल ही पता नहीं होता। और मैंने कहा था कि आपने सुना होगा या कहा होगा, आप में से कई लोगों ने कहा होगा, आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि सवाल ही पता नहीं होता जी, तो सवाल पैदा ही नहीं होता लेकिन फिर भी तंग करता रहता है, ये है असल कहानी। आहा यही दे टक्कर आ डज यहां पे एथे एथे सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक सही जवाब आया वो भी 6278 पर, आई कैन टेक दैट, थैंक यू वेरी मच, थम्स अप। और आपने अपना नाम लिखा, सबसे बुरी बात यह है।
तो मजा आया, सवाल ही पता नहीं होता। हम अक्सर कह रहे होते सवाल ही पता नहीं होता, सवाल ही पता, तो जब सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पैदा ना होकर भी इतना तंग कर रहा था। एग्जाम में अलग सवाल तंग करते हैं, लोगों के अलग सवाल करते हैं, जहन में आए हुए सवाल अलग तंग करते हैं, इसके सवाल उसके सवाल, कभी कभी मैं भी सवाल पूछ लेता हूँ, तो शायरी भी तुम करते हैं कि चंगा होता सवाल ना करता मैंने तेरा जवाब अड्डज जी। अब मैं और क्या करूं तुम लोगों के लिए, खिचड़ी पकाऊं? और वो जो जमीन सूखना और आसमान से गिरना, ये इसको बैलेंस करने के लिए था इसके दोनों साइड पे जी जी, ये डिस्ट्रैक्शन थी। अच्छा शुरू में कोलगेट आ रहा है, सब लोग बोला हलवा, अच्छा हलवा, अभी देता हूँ हलवा, अब खाओ ना हलवा। सवाल ही पता नहीं होता, सवाल ही पता नहीं होता जी, तो अब सवाल ही पता नहीं होता। आ जाए जरा दिल के फपोले फोड़ लेते हैं कि सवाल ही पता नहीं होता कि ऐसा हो, कोई बात क्या वो जरा मैसेज करें मुझे। सवाल ही पता नहीं होता कि ये हो जाए, सवाल ही पता नहीं होता कि मैं ये कर जाऊं, सवाल ही पता, जो भी आपके दिल में आ रहा है आ जाओ जरा मैसेज करके, जरा देखते हैं कि क्या क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि जहन को झटका तो शदीद लगा होगा आपके। सवाल ही पता नहीं होता लिख। Dur dur jaave, main dur dur jaave,
मैनू रात नींद ना आवे जी जी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा जो अगला गाना हम सुनाने जा रहे हैं ये मैं एक चैलेंज देता हूँ सबको कि इस गाने को किसी गाने के साथ भी आप मिला सकते हैं। मुझे आप कोई भी सॉन्ग बताइएगा चैलेंज देकर और मैं इस गाने को उस गाने से मिला दूंगा। मान यानी कि वो गाना इसके साथ मैच कर जाएगा, वो कहीं खत्म होगा और ये गाना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो दोनों तालमेल रखेंगे। ये ऐसा गाना है, ऐसा गाना है। आप चैलेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ने काफी परेशान किया आपको। रेहान कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, सुबह छुट्टी हो जाए। ऑलराइट, अलीजा काजमी कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा तुक्का भी कभी ठीक लगे। तुम्हारे लग जाते हैं, अभी कोलगेट वाला लगा था तुम्हारा। नजिया खान, सवाल ही पता नहीं होता कि उसके नखरे कम हो जाएं। आहा, मेरा बक्स क्वेश्चन इज नॉट बाउंड। ओके, इज देयर एनी इजी क्वेश्चन? जी आसान सवाल भी है हमारे पास। तिनके वाले झाड़ू के बीच में कितने तिनके होते हैं बताइए, आसान है? मानो बस ये सवाल ही पता नहीं होता कि मैं कार्टून देखना छोड़ दूं और ठंडा पानी छोड़ दूं। ठंडा पानी इतना अच्छा नहीं होता। सवाल ही पता नहीं होता कि सुबह से पहले हम इस शौक इंग्लिश वाले से बाहर निकल पाए। ऑलराइट, तो चैलेंज वाला सवाल, सॉरी गाना आ रहा है। इस गाने के साथ हर गाना दुखी से दुखी, स्लो से स्लो पेस वाला गाना मैं इसको जोड़ दूंगा। आप मुझे चैलेंज करें, बताइए और हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। गाना है ये वाला, है थोड़ा सा दुखी, बेवफा लूंगी आदमी। मुझे घर में आ क्यों तू न जाना, तेरा साथ चाहिए।
कोई चैलेंज करेगा? ओके अच्छा भैया, हम जानिया डर लगता है, अब मुझे ये गाना नहीं आता, जानिया डर लगता है। अच्छा अंडे वाला सॉन्ग जो है वो जुमना ने भी कहा और शुक्रता साहब, देखिए अंडे वाला सॉन्ग एक तो लेंगे दूसरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। आ अंते अमलापुरम, आ अंते जापुरम, आ जाना, ओ आ जाना, हो गया। मारू सलीम करी के सवाल ही पता नहीं होता कि मैं आज किस रील का आंसर दे पाऊं, ये क्या बात है। अंडे वाला सॉन्ग तो हो गया जी, नेक्स्ट। मेरे खुदा मुझको कैसा दिल दिया, हमें खो कर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे, आ जाना। ओके गो, चलिए शाम से पहले, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, आ जाना। जी हाँ, आहा, बस 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 बहुत हो गया है, अब हम आगे चलेंगे। चलिए एक छोटा सा गाना सुनते हैं, आइए।
लतीफ भाई कह रहे हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है। आहा आहा। भैया लतीफ भाई को तो मजा आ रहा है। और भी काफी लोगों को आ रहा होगा। जी तो फिर घुमा दिया ना, सवाल ही पता नहीं होता। रुकिए, लतीफ भाई कुछ कह रहे हैं। लतीफ भाई चाहते हैं कि सब लोग इस गाने पर पेचकस डांस करें। जी आइए। आई डोंट नो पेचकस डांस कैसा होता है। आपने जैकेट की जिप की आवाज में, मैं जैकेट अभी नहीं पहना।
जैकेट जब पहनेंगे तो आवाज आपको सुनाई दे जाएगी। तो लती भाई मूड में आ चुके हैं। अब लती भाई के मूड का हम क्या करें, लती भाई के मूड को कहां ले जाएं, कहीं जा सकते हैं। Pocket full of sunshine. Sunshine.
अभी तक आदमी ने कहले पहले के दिन याद आ गया जब शो 5-5 बजे तक होता था, बिल्कुल होता था, कर लेते थे, अब नहीं करते। वक्त वक्त की बात होती है, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं, बुरे तो हम आए न कर जालवा। और अब एक सॉन्ग प्ले करने जा रहा हूं, बहुत अरसे बाद याद आ जाएगा आपको सुनते ही।
آئے دوستو یہ تھا آج کا شو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گیا. پسند نہیں آیا ہم پھر کوشش کریں گے, کوئی بڑی بات, کوئی بڑا دعویٰ نہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فیڈ بیک کے لیے اظہر ایٹ ریڈیو ڈاٹ کام, تمام ساتھی جن کے تمام سینٹرز پہ شکریہ جنہوں نے اس شو کا ہنگامہ ممکن بنایا. اینڈ تھینک یو ونس اگین کہ آپ کو کل والا شو ہمارا پسند آیا, اور اگر آج والا آیا ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو وہ بھی بتائیے گا. تو جناب آئیں گے آپ کے لیے شو کریں گے جب تک کر سکتے ہیں. باقی تو ہی تو اس کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. مجھے یعنی اظہر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اوور اینڈ آؤٹ. پاکستان زندہ باد.